हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका। नेपाल के तराई वाले इलाकों में हो रही लगातार बारिश से बिहार की कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बिहार में बाढ़ का संकट बढ़ गया है। पहले नक्शे को लेकर भारत और नेपाल के बीच तनाव बढ़ा और अब प्राकृतिक आपदा को लेकर नेपाल के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। नेपाल के कोसी बैराज से 2 लाख क्यूसेक मीटर पानी छोड़ा जा चुका है। इस वजह से बिहार में कोसी नदी के आसपास के इलाके अब बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ये तस्वीरें बिहार के सहरसा जिले की हैं। चारों तरफ पानी ही पानी का सैलाब नजर आ रहा है। जमीन कटकर पानी में जलमग्न हो रही है और आम लोग अपनी जमीन को छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। बंजर जमीन पूरी तरह पानी में समा चुकी है और बस एक टीला बचा है, जिसमें एक झोपड़ी, कुछ लोग और जानवर नजर आ रहे हैं, जो प्रकृति की इस आपदा के आगे असहाय खड़े नजर आ रहे हैं। जाएंगे देखते हैं, इस पानी को देख लेते हैं, उसके बाद तो जाना ही है। अभी माल मवेशी सारा चीज यहाँ पड़ा हुआ है, जाना तो ही है। ये बिहार के मोतिहारी जिले की तस्वीरें हैं। नेपाल के तराई इलाके और बिहार के उत्तरी इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से वाल्मीकि बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी चंपारण से गुजरने वाली नेपाली नदियां उफान मार रही हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, बागमती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। किसी भी हालात से निपटने के लिए मौके पर एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया है। अब जरा सीतामढ़ी के हालात पर नजर डालिए। यहाँ बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बागमती और लखनदेई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सीतामढ़ी के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। बिहार के सुपौल में भी बाढ़ से बर्बादी के मंजर दिख रहे हैं। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। सैकड़ों परिवार बाढ़ के पानी में फंसे हैं। प्रभावित लोगों के पास अपना इलाका छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने के सिवा और कोई चारा नहीं है।